हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाई स्कूल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आइए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, तो आइए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उस भिन्न को मानेंगे, माना वह भिन्न x बटा y, और भिन्न में हमें पता है कि जो हमारा ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमारा अंश होता है और नीचे वाली वैल्यू हर होता है, और अंश और हर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें। अंश हमारा क्या है? x। ठीक है, फर्स्ट केस क्या कह रहा है? फर्स्ट केस देखिए, अंश में एक जोड़ दें। सबसे पहले भिन्न को लिखेंगे, ठीक, उसके बाद अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, उसके बाद कह रहा हर में से एक घटा दें, तो हमारा हर कहाँ है? वही है, तो हर में से एक क्या करेंगे? घटा दें। तो कह रहा है तो वो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर समझिए, कह रहा है कि यदि भिन्न में, जो हमारे पास हमने भिन्न को माना है, उसके भिन्न में अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है। ठीक, तो आइए इसको सरल करते हैं। तो सरल कैसे करेंगे? एक्स प्लस वन ये बटे में है, और हमें पता है कि जो हमारी बटे वाली संख्या होती है उसको बराबर के उधर भेजने पे गुणे में हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? एक में ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमारी वैल्यू वही आती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स इधर है, वाई वाले टर्म को बराबर के इधर भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे, तो एक्स वाई को इधर भेजेंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो क्या होगा? माइनस होगा। इस वन को उधर भेज देते हैं, ये माइनस वन यहाँ बचा है, माइनस वन, ये प्लस वन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। हमने क्या किया? पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन क्या हो जाता है? माइनस टू। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस टू। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या कहता है? यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न एक बटा दो हो जाती है, कि मतलब हमारा जो भिन्न हमने माना, भिन्न हमारा वही है, बस यहाँ पे क्या कहा कि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना। ठीक है गाइस, तो सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस भिन्न हमारा वही रहेगा, एक्स बटे वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, तो हम क्या करेंगे? हर में एक जोड़ देंगे, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न एक बटा दो हो जाएगी। ठीक है, तो एक बटा दो हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसके एक्स बटे वाई प्लस वन, इस वाई प्लस वन को हम बराबर के इधर भेजेंगे और इस टू को बराबर के इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो जब हम वाई प्लस वन को बराबर किधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में होगा, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये वन इंटू वाई प्लस वन और बटे में दो है। अब इस दो को इधर भेजेंगे तो कहाँ? एक्स में गुणे में हो जाएगा, तो इसको इधर देखते हैं। ठीक है, तो ये दो का मल्टीप्लाई यहाँ होगा एक्स में, तो ये हो जाएगा टू एक्स। टू एक्स इज इक्वल टू क्या बचा? वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस वन ही रह जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा वाई प्लस वन। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर दो। अब देखिए, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को देखिए ध्यान से।
इसमें हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वो भिन्न मिल जाएगी। अगर x का मान और y का मान निकाल लें तो हमें वो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण एक को देखिए और समीकरण दो को देखिए। समीकरण एक में x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू है और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। यहाँ हम विलोपन विधि लगाकर x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से। तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, और समीकरण दो क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, इस समीकरण में x की वैल्यू दो की देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो दोनों में x की वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि y ये दोनों सेम है। ठीक है, विलोपन विधि आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस y को हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों समीकरण को हम घटा दें, समीकरण एक और समीकरण दो को घटा दें, तो हमारा y क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा, मतलब y का पद विलोपित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम क्या किए, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स और यहाँ पे अब इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इस प्लस टू एक्स में से क्या हो जाएगा, ये एक्स के आगे प्लस है और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला साइन माइनस हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से घट जाएगा, तो माइनस टू एक्स में से एक्स जाएगा, कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू माइनस टू और माइनस वन, हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक, अब देखिए माइनस इधर भी है और बराबर किधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। ठीक है, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण एक या समीकरण दो किसी में भी रख दीजिए, आपका y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस x के मान को किस में रखते हैं, समीकरण नंबर एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस टू, तो x का मान कितना है, तीन, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे, तीन माइनस वाई इज इक्व टू माइनस टू। अब इस तीन को हम पक्षांतर करेंगे, तो माइनस वाई बराबर यहाँ माइनस टू, ये इस तीन को उधर भेजेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, अब माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस फाइव, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। तो हम देख रहे हैं गाइस कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई, तो वह भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, अतः वह भिन्न बराबर x बटे y थी हमारी जो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तीन, और y की वैल्यू पाँच, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन ने जो बोला था, ठीक है, भिन्न को हमने माना x बटे वाई। ठीक है, फर्स्ट केस, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, तो हमारे पास भिन्न यही थी। ठीक है गाइस, भिन्न x बटे वाई थी, तो x में हमने एक जोड़ा और y में एक घटा दिया, क्वेश्चन ने बोला जैसा वैसा किया, और क्वेश्चन क्या बोल दिया कि यह भिन्न अगर हम ऐसा करते हैं तो यह भिन्न कितने बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, तो इतना बराबर वन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स प्लस वन बराबर वाई माइनस वन को उधर भेजिए, हल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो समीकरण एक प्राप्त होगा। उसके बाद सेकेंड केस क्या कह रहा था, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटा दो हो जाता है। ठीक है गाइस, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो समीकरण दो क्या कह रहा है, भिन्न हमारा वही है, बस
चेंज क्या किया है कि वाई जो हमारे हर है उसमें एक जोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वह भिन्न क्या हो जाएगी, एक बटा दो हो जाएगी। तो एक्स बटा वाई प्लस वन बराबर एक बटा दो। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई प्लस वन को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये समीकरण मिल जाएगी, समीकरण नंबर दो। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि लगाकर हमने क्या किया, सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जैसे ही मिली तो हमारा वो भिन्न मिल गया, भिन्न हमारा क्या हो गया तीन बटे पाँच। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, एक बार दो बार वीडियो देखिए और ये क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइज, धन्यवाद।